अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैन यू हेयर माय वॉइस? इज देयर एनी स्टूडेंट हु मे कंफर्म? यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टू नो दैट हैव यू वॉच द वीडियोस दैट आई हैव पोस्टेड ऑन द गूगल क्लासरूम? If you have any questions related to the previous recorded videos, then you can ask me now. अगर कोई भी आपका question है last video से related तो आप पूछ सकती हैं। Excuse me sir. Yes. जी बताइए। Detection for kick के जो चारों method आपने बताए हैं उनकी जरा भी समझ नहीं लगी। Okay. Let me check. मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ओके इसमें देखें, फर्स्टली किक होती क्या है? किक का पहले आपको आइडिया होना चाहिए। किक क्या है कि अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड फ्रॉम द सब सरफेस टू सरफेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज किक। अब अनकंट्रोल्ड का क्या मतलब है कि देखें, अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ पिक्चर से समझाने की कोशिश करता हूँ, वेट करें। जी स्क्रीन शेयर की है, क्या आप देख सकते हैं? शेयर हो चुकी है स्क्रीन? यस सर। ओके थैंक यू। इसमें देखें, सबसे पहले पता होना चाहिए किक है क्या। देखो अगर बोर बोल है और सराउंडिंग में फॉर्मेशन है, कोई भी रोक है, तो अगर बोर होल का प्रेशर बहुत कम हो जाए और सराउंडिंग का जो फॉर्मेशन प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए, तो फिर क्या होगा? जो फ्लूड फ्लो है, फ्लूड फ्लो होगा फॉर्मेशन टू बोर होल। ठीक है, जब फॉर्मेशन टू बोर होल फ्लूड हो वो फ्लो होगा तो, और प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये फिर इस फ्लो को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने ये किसी तरीके से फ्लो कंट्रोल करना होता है, ठीक है, वरना फिर ब्लो आउट हो जाता है। अब इस प्रोसेस को डिटेक्ट करने के लिए कि ये अनइवन अनकंट्रोल्ड किस्म का फ्लो हुआ है या नहीं हुआ, इसकी डिटेक्शन के लिए कुछ मेथड है। अब पहला मेथड क्या है? पिट वॉल्यूम इंडिकेटर। पिट वॉल्यूम क्या चीज है? ये एक आपने जो स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स ऑफ द रिग पढ़ा था उसके अंदर पिट भी थी। पिट क्या चीज है? पिट इज जस्ट लाइक अ डिप्रेशन दैट इज यूज टू स्टोर द मड। इसके अंदर क्या होता है कि जो सर्कुलेटेड मड होती है वो इसके अंदर स्टोर कर देते हैं। यू कैन से दैट द सर्कुलेटेड मड इज प्लेस्ड इन द पिट। तो सर्कुलेटेड मड क्या होती है? पिट के अंदर आ जाती है, इधर पिट के वो मटेरियल जमा हो जाता है। तो इसके साथ क्या होता है? इनके साथ अटैच होते हैं गेजेस, अटैच होती हैं, ठीक है। तो अगर क्या है कि पर सेकंड अगर बहुत ज्यादा अचानक से वॉल्यूम आना शुरू हो गया मड का, क्योंकि ये जो किक है, किक के अंदर होना क्या है, फॉर्मेशन से फ्लूड आएगा बोर होल के अंदर, और ये वाला जो बोर होल के अंदर फ्लूड है ये असल में जाएगा पिट के अंदर, तो क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा तो सराउंडिंग से जो फ्लूड है वो बहुत तेजी से जाएगा,
की समझ आई है? यस सर। नो सर, दोबारा सर। अच्छा, पिट वॉल्यूम इंडिकेटर में यही है कि जो सर्कुलेटरी मड होती है वो जिस डिप्रेशन के अंदर वो एक्यूमुलेट होती है उसके अंदर विद रेफरेंस टू टाइम आप वॉल्यूम देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा हो विद रेफरेंस टू टाइम तो फिर आपको आइडिया हो जाता है इधर की का आ गई है। अब सेकंड जो चीज है वो है फ्लो इंडिकेटर। अब फ्लो का यूनिट मुझे बताएंगे कि फ्लो रेट का यूनिट क्या होता है? सर्विसेज का होता है वॉल्यूम पर टाइम होता है ना। एग्जैक्टली, वॉल्यूम पर टाइम, बिल्कुल ठीक हो गया, वॉल्यूम पर टाइम सही है। तो फ्लो के अंदर भी क्या होता है कि आप जो पाइप होते हैं ये देखें, जैसे कि अगर मड ने मूव करना है, अगर ये मैं येलो जो शेडिंग है येलो शेडिंग से मैं शो कर रहा हूँ कि मड जा रही है ये पिट के अंदर, ये देखो इधर पिट के अंदर जमा होगी, तो ये जिन पाइप से जा रही होती है उधर क्या होती है गेजेस लगा देती हैं, उधर गेजेस लगी होती है जो कि इसके फ्लो को देख रहा होता है कि फ्लो फ्लो रेट कितना है, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, फ्लो रेट की वैल्यू देखनी है। तो फ्लो रेट की वैल्यू से आपको पता चल जाता है, फ्लो रेट भी असल में इनडायरेक्टली आपको वॉल्यूम का ही बता रहा होता है। ये देख रहे हैं वी, ये वॉल्यूम ही है, यानी पर रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वॉल्यूम पास कर रहा है मड का। देखो अगर किक नहीं होगी, नॉर्मल रूटीन होगी तो सराउंडिंग से कोई भी फ्लूइड बोर होल में नहीं जाएगा, ठीक है, और बोर होल में जब नहीं जाएगा तो क्या होगा कि जो नीचे से मड आएगी वो ऑलमोस्ट आप कह लें कि इतनी ही आएगी जितनी आपने नीचे भेजी थी, ठीक है। लेकिन अगर सराउंडिंग से उसके अंदर कोई फ्लूड ऐड हो गया तो उसके वॉल्यूम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा और एट द एंड जो क्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तय किस जगह की क्या है। थर्ड है हमारे पास होल फिलअप इंडिकेटर। होल फिलअप इंडिकेटर क्या होता है कि ट्रिपिंग के दौरान, यानी जब आप सर्कुलेशन रोक देते हैं तो मड, अगर मैं इधर नई फिगर बनाऊं, अगर ये बोर होल है सर्कुलेशन रोक दिया है तो जो मड होगी वो मड सारी इधर स्टैटिक होगी, ऐसे ये स्टैटिक मड है। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि लेट्स सपोज सुबह 8 बजे इसका लेवल ये था, ठीक है, आपने बोर होल के अंदर जो मड है उसको ऑब्जर्व किया 1 घंटे के बाद, तो मड का जो लेवल है वो खुद ब खुद इधर आ गया, ऊपर आ गया, काफी ऊपर आ गया, ये देखो इधर आ गया। तो होल फिलअप इंडिकेटर में क्या होता है कि इसमें आपको अगर आप सर्कुलेशन रोक देते हैं तो जो मड स्टैटिक होती है बोर होल के अंदर, आप ये ओके अब फोर्थ क्या है, काउंट द पंप स्ट्रोक। अच्छा ये स्ट्रोक का मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा व्हाट इज मेंट बाय पंप स्ट्रोक,
और सिंपल स्ट्रोक। सर जितना रोटेशन करेगा पंप उसको पंप स्ट्रोक कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं रोटेशन क्या ले। हाँ चलें ठीक हो गया। अब ये है कि लेट्स सपोज अगर इसके अंदर कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिस्टन नीचे यानी एक जो साइकिल है वो कितनी देर में कंप्लीट करता है। अब याद रखिएगा कि जब मड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसे मूव करवाना होता है तो ये पंप स्ट्रोक क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, पंप स्ट्रोक इंक्रीज कर जाते हैं। तो देखो अगर नॉर्मल रूटीन में जो पंप स्ट्रोक है ये 5 पंप स्ट्रोक पर मिनट अगर जा रहा है, लेट्स सपोज 5 पंप स्ट्रोक पर मिनट जा रहा है और अचानक से ये हो जाता है 25 स्ट्रोक पर मिनट, यानी जो पंप की है वो वर्किंग अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है कि नीचे किक डिटेक्ट हुई है। क्योंकि जब ये नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि पंप को ज्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है फ्लूड को मूव करने में, और ज्यादा एफर्ट का मतलब है कि जो टोटल फ्लो है फ्लूड का वो ज्यादा है। ये जो चारों पॉइंट्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और इनका जो मेन थीम है वो यही है कि नीचे से जो मड की क्वांटिटी अगर एक्सीड कर जाए, यानी लेट्स सपोज आपने 5 लीटर नीचे भेजी है, ठीक है, और 5 लीटर नीचे भेजने के बाद अगर तो ये 4.5 रहती है, यानी जब ऊपर आई है मड की क्वांटिटी 4.5 है 4.3 है तो ठीक है, ये समझ भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मड नीचे कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाती है सराउंडिंग के अंदर जो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आपने मड भेजी है 5 लीटर लेट्स सपोज भेजी है या 5 बैरल कह ले नीचे भेजी है और ऊपर आई है 10 बैरल या 10 लीटर, तो इसका सिंपल मतलब है कि उस मड के अंदर कोई ना कोई सराउंडिंग से कोई ना कोई फ्लूड ऐड हुआ है, और इस तरह जब इतना डिफरेंस होता है इस फ्लूड ऐड होने का तो इसका मतलब ये है कि उधर किक डिटेक्ट हुई है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम के अंदर डिफरेंस आ रहा है ये चारों मेथड इनडायरेक्टली आप समझे कि ये वॉल्यूम की ये जो डिफरेंस आ रहा है वॉल्यूम के अंदर इसको ही मेजर कर रहे हैं, तो इस तरह आप किक को डिटेक्ट कर सकते हैं। जी आपका कोई अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो। सर अगर डेंसिटी इंक्रीज करें तो उससे प्रेशर कैसे कंट्रोल हो सकता है? डेंसिटी इंक्रीज करने से प्रेशर कैसे कंट्रोल हो सकता है? प्रेशर किस चीज का प्रेशर आप पूछ रहे हैं कंट्रोल करने के हवाले से? सर यही किक वाला। ओके मैं बताता हूँ आपको, ये देखो अब इसमें देखें कि अगर लेट्स सपोज इधर प्रेशर है 10 PSI, इधर 10 PSI है, इधर 15 PSI है, ठीक है, फॉर्मेशन का जो फ्लूड है लेट्स सपोज मैंने वो येलो कलर से शो कर दिया, इधर ये फ्लूड है, ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लूड है लेट्स सपोज मड का जो मड है उसे मैंने ब्लू कलर से शो कर दिया, और आप ये अज्यूम करें कि इधर जो फॉर्मेशन है वो पोरस एंड परमिएबल है। पोरस एंड परमिएबल का मतलब है कि फ्लूड बोर होल से फॉर्मेशन में भी जा सकता है और फॉर्मेशन से बोर होल में भी आ सकता है। अच्छा पोरस एंड परमिएबल फॉर्मेशंस कौन सी होती है, कोई एक एग्जांपल बताएंगे? शेड लाइमस्टोन। जी कौन था? लाइमस्टोन। अच्छा फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन आप कह लें, खाली लाइमस्टोन ना कि फ्रैक्चर्ड लाइमस्टोन, या मेन जो इसकी एग्जांपल बनती है वो है सैंडस्टोन, ठीक है। तो लेट्स सपोज इधर सैंडस्टोन बेड है। अब जिस स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैं उससे थोड़े
जी स्टूडेंट, जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि प्रेशर्स किस तरह मैनेज करते हैं, काइंडली वो मुझे बताया कि ये जो आपको क्या डायरेक्शन पता चल रही है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड इन दिस सिचुएशन, फ्लूइड फ्लो की डिपेंड करेगा। अगर तो फ्रैक्चर्ड फॉर्मेशन है तो फिर वो बोर होल से फॉर्मेशन में जा सकता है, अगर प्रेशर हाई होगा बोर होल का और फॉर्मेशन का अगर कम होगा तो। ओके, आपने सही जवाब दिया। तो ये मैंने फ्रैक्चर्ड जरूरी नहीं है, अगर वो पोरस एंड परमिएबल फॉर्मेशन सैंडस्टोन है तो सैंडस्टोन में फ्रैक्चर की जरूरत नहीं होती मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर ये देखो इधर क्या कंडीशन है कि ये 15 psi है और फॉर्मेशन है 10 psi, तो इसका मतलब है बोर होल से जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो होगी फॉर्मेशन के अंदर, इस तरह मूवमेंट होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फॉर्मेशन का 10 है, फॉर्मेशन का वही 10 है और आपने बोर होल का जो प्रेशर है वो कर दिया 6 कर दिया, तो अब मुझे बताएं कि क्या फ्लूइड की मूवमेंट होगी। सर अब फॉर्मेशन से बोर होल की तरफ फ्लो करेगा। फॉर्मेशन से बोर होल की तरफ, बिल्कुल सही। तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो फ्लूइड का जो कंट्रोल कर रही है चीज, जो पैरामीटर कंट्रोल कर रहा है इधर, वो क्या चीज है, वो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप बोर होल का प्रेशर इंक्रीज कर देंगे फॉर्मेशन के प्रेशर से, तो अल्टीमेटली आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जो सराउंडिंग में जो प्रेशर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इधर किक की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो आपका क्वेश्चन था कि किस तरह, क्या दोबारा रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? के सर मैंने पूछा था कि डेंसिटी से कैसे प्रेशर हम कंट्रोल करते हैं। ये जो देखो डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करती है ना, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मड प्रेशर के, ठीक है। जितनी ज्यादा डेंसिटी, ये जो मड डेंसिटी आप कहते हैं ना, इसको लूज टर्म्स के अंदर मड प्रेशर भी कहा जाता है, ठीक है। जब मड की डेंसिटी आप इंक्रीज करते हैं तो इनडायरेक्टली आप बोर होल के अंदर, यानी बोर होल की वो जो प्रेशर है उसे इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो इस आपका सिंपल आंसर ये है कि द डेंसिटी ऑफ द मड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इन द बोर होल, सो एज अ रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फॉर्मेशन by imposing more pressure in the borehole as compared to the formation. So is there any other student who want to question anything regarding last lecture? Yes sir. Sir, yes. ये strip pipe, drilling spool, kill line, ये सर ये वाली ये तीन slides हैं, समझ नहीं आई। जिसमें strip pipe आता है, drilling spool आता है, chalk line, diverter line, drilling spool, और कैली कॉक, एडजस्टेबल कॉक, इंटरनल ब्लोअर प्रिवेंटर। ओके, सो देयर इज अ टर्म दैट इज ब्लो आउट। अब ब्लो आउट क्या चीज है? ब्लो आउट और ओके, लेट मी टेल यू, सॉरी आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बार इधर ये किधर ये एक्युमुलेटर। अच्छा पहला मुझे बताएं कि पहली चीज आपकी क्या थी, आप एक्युमुलेटर का पूछा सबसे पहले? यस सर। अच्छा एक्युमुलेटर क्या चीज है? देखें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लो आउट का, ठीक है, बीओपी का पता होना चाहिए। ब्लो आउट प्रिवेंटर क्या चीज है कि जो अनकंट्रोल्ड फ्लो होता है, माइक आप काइंडली बंद कर दे,
किक और ब्लोआउट में डिफरेंस अगर जो मेन देखा जाए तो वो यही डिफरेंस है। काइंडली माइक बंद कर दीजिए। जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि किक जो है किक को आप कंट्रोल कर लेते हैं, जब भी उसके अंदर अनकंट्रोल्ड फ्लो होगा तो किक के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्लो आउट के अंदर क्या होता है कि ब्लो आउट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है कि फ्लूड बहुत ज्यादा फॉर्मेशन से बोर होल के अंदर रश करता है, और उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। उसमें से एक प्रोसीजर है ब्लू आउट प्रिवेंटर, ठीक है। अब ब्लू आउट प्रिवेंटर के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर इमेजेस भी हैं। उसमें होता क्या कि अगर ये बोर होल है, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है क्या, आप बता सकते हैं? नो सर। ओके, स्क्रीन नहीं शेयर। वेट, ओके। अब ब्लो आउट के अंदर क्या है कि ये लेट्स सपोज अगर बोर होल है तो इसमें क्या करते हैं कि बोर होल के टॉप पे आपके पास डिफरेंट किस्म के वेल्व्स लगे होते हैं, उन वेल्व से क्या करते हैं कि आप ये बोर होल के जो ऊपर टॉप है इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। डिफरेंट किस्म के मेथडोलॉजीज है। बास के अंदर क्या करते हैं कि आप मड भेजते हैं फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा डेंसिटी वाली, और पाइप नहीं किसी होता। हाँ जी, किसी तरीके से ये रुक जाए, जिसे कहते हैं किल वेल्व, उससे क्या करते हैं मड भेजते हैं बहुत ज्यादा, किसी तरीके से जो ब्लो आउट है वो रुक जाए। इसके अलावा क्या करते हैं, आप बोर होल को ऊपर से बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं रैम बीओपी, ठीक है। वो क्या करता है कि इधर से जो पाइप निकला होगा उसे कट करके ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ये जो पावर प्रोवाइड कर रहा होता है हाइड्रोलिक पावर ब्लो आउट प्रिवेंटर को, वो हाइड्रोलिक पावर आपको मिलती है एक्यूमुलेटर से, ठीक है। एक्यूमुलेटर का फंक्शन क्या होता है, ए हाई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज टू क्लोज द बीओपी। तो क्लोज द बीओपी, ये जो बीओपी है ये इसके ऊपर फिट होता है बोर होल पे, और बीओपी क्या करता है कि ये बोर होल का फेस है इसे क्लोज कर देता है। तो उसे जो पावर प्रोवाइड करनी होती है वो प्रोवाइड की जाती है एक्यूमुलेटर से, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछे सर? ये स्ट्रिप पाइप और ड्रिलिंग स्पूल। ओके, जो स्ट्रिप पाइप है ये भी जो बीओपी का पार्ट है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये भी प्रेशर एडजस्टमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि आप देखो जो फ्लो को रोकना है, अगर आपने प्रेशर की बेस पे रोकना है तो प्रेशर की बेस पे रोकने के लिए प्रेशर के अंदर वेरिएशंस करनी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्ट्रिप पाइप है, स्ट्रिप पाइप के साथ भी गेजेस, जो गेजेस अटैच होती हैं, और उन गेजेस से क्या किया जाता है, जो प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट का मतलब है प्रेशर को वेरिएट किया जाता है ताकि नीचे से फ्लो को रोका जा सके। और ड्रिलिंग स्पूल है, स्पूल क्या चीज है, देखो स्पूल असल में जस्ट लाइक के अगर आप लिखा हुआ है, देखने रैम प्रिवेंटर है, और वैसे अगर आप देखेंगे आपको डिफरेंट किस्म के नेम्स नजर आएंगे बीओपी के, तो उनमें से एक होता है रैम प्रिवेंटर। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि एक तो स्पेस जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं बीओपी के अंदर, अगर उसके अंदर आपने स्पेस प्रोवाइड करनी है तो स्पेस प्रोविजन के लिए क्या करते हैं कि दरमियान में ड्रिलिंग स्पूल को प्लेस कर देते हैं। सॉरी। और इसके अलावा ड्रिलिंग स्पूल का मेन फंक्शन यही है कि ये जस्ट लाइक एक आप समझे कि इसकी मैं इमेज एक मिनट देख दूं, वेट करें जरा। ये जस्ट कनेक्शन लाइक है हमारे पास,
ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये ड्रिलिंग स्पूल है। अब इसका क्या है कि इसके ऊपर क्या होगा, ब्लोआउट अटैच होगा, ब्लोआउट प्रिवेंटर का सेटअप इसके ऊपर अटैच होगा और इसके नीचे क्या होगा, बोर होल होगा। तो ये क्या कर रहा है, दरमियान में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन होता है कि जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं ब्लोआउट प्रिवेंटर में, उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा बाज दफा क्या होता है, एक ये जो आपको सराउंडिंग में ये जो स्पेस नजर आ रही है, ठीक है, ये जो यानी होल्स नजर आ रही है, तो इन होल्स को किल वेल्व के साथ भी कनेक्ट कर दिया जाता है। और किल वेल्व का क्या फंक्शन होता है, किल वेल्व का फंक्शन होता है कि अगर आपने जब नीचे से बड़ा अनइवन किस्म का फ्लो आया है और आपने थिक मड के जरिए उसे कंट्रोल करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, इधर से मड भेजते हैं उसके अंदर। ये असल में हमारे पास ड्रिलिंग स्पूल है। और इसके अलावा आपने क्या पूछे? सर, इसके अंदर आगे कैली कॉक ये है, रोटेटिंग हेड वाला। ओके, कैलीकोक, ये चौक लाइन, ये किधर है, कैलीकोक की जगह? नेक्स्ट में है सर, नेक्स्ट में। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कैली किधर थी। देखो, सर्वाइवल के नीचे क्या था, कैली स्पिनर था, उसके नीचे कैली थी, ठीक है। तो यस इसका सर, सिंपल फंक्शन क्या है कि जो कैली होता है एक हॉलो पाइप होता है जिसके जरिए मड ऊपर ऊपर यानी ऊपर से नीचे मूव बोर होल के अंदर करवाई जाती है, ठीक है। यानी वो एक पाथवे है मड की जर्नी के दौरान। तो उस कैली को जब क्लोज किया जाता है तो वो सिंपल कैली कॉक के जरिए किया जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर आप देखें, चलिए मैं इधर ड्रा सिंपल जल्दी से करता हूँ। ये देखें, ये अगर बोर होल है, ठीक है, बोर होल के ऊपर बिल्कुल टॉप पे क्या होता है, क्राउन ब्लॉक है, फिर सर्वाइवल वो ट्रैवलिंग ब्लॉक है। अब नीचे क्या होता है, एक पाइप होता है उसे कहते हैं कैली। तो मड ने क्या करना होता है, इधर ऊपर से नीचे जाना होता है और फिर नीचे से मूव करके इधर ऊपर आना होता है। तो ये जो कैली है इसको चोक करने के लिए, या ये इस वजह से चोक किया जाता है ताकि ना ऊपर से नीचे मड जाए और ना नीचे से ऊपर आए। तो वो कैली को चोक करने के लिए यानी बंद करने के लिए कैली कोक यूज किया जाता है, और कैली कोक का सिर्फ यही फंक्शन है ताकि वो फ्लो को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। और इसके अलावा क्या पूछा है? बस सर यही है। ओके, कोई और स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो बाकी ये के साथ में ना बुक से भी स्टडी करें क्योंकि स्लाइड्स में बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं किया जाता। आप काइंडली बुक से भी पढ़ा करें, फिर जो कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ लिया करें नेक्स्ट लेक्चर में। सो इज देयर एनी स्टूडेंट हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सर रिगार्डिंग ये लास्ट है लेक्चर? कि यस सर, सर हमें इससे पता कैसे चलता है कि फ्लूड का प्रेशर कितना है और हमारे मड का प्रेशर कितना है? मड का तो पता चल जाता होगा, गेजेस जरूरी होते हैं, लेकिन हमें फॉर्मेशन के फ्लूड का प्रेशर कितना पता चलता है कि फॉर्मेशन का जो है प्रेशर ज्यादा है कम है? इसमें क्या होता है कि इसके दो मेथडोलॉजीज होती हैं। क्या मेथडोलॉजीज है? एक तो डाउन होल सेंसर्स होती हैं, यानी वो डाउन होल जहां आपने परफोरेशन की होती है ना। अब इसमें देखें, जो फ्लूड का फ्लो है ना, वो दो तरीके से है। एक क्या कि जब आप प्रोडक्शन लेने लगे, आपने परफोरेशन की है, तो परफोरेशन की है तो एक तो उन परफोरेशन से फ्लूड अंदर आ सकता है। दूसरा क्या है कि दूसरा
कनेक्शन इन द इंटरनेट कनेक्शन. यस सर, अब आ रही बात. ओके. अच्छा, आप पूछ रहे थे कि फॉर्मेशन के किस तरह प्रेशर को आप डिटेक्ट कर सकती हैं. देखिए, इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि दो किस्म की कंडीशन है. एक तो ये कि आपने परफोरेशन की हो फिर आपका फ्लूड फ्लो हो रहा हो, दूसरा ये कि आपने परफोरेशन ना की हो किसी पोरस एंड परमिएबल फॉर्मेशन से फ्लूड फॉर्मेशन से बोर होल में जा रहा हो. तो इसमें सबसे पहले तो एक टेस्ट होता है आरएफटी. आरएफटी होता है रिपीट फॉर्मेशन टेस्ट. ठीक है, तो रिपीट फॉर्मेशन टेस्ट के जरिए भी आपको पता चल जाता है कि बोर होल के अंदर यानी फॉर्मेशन का क्या प्रेशर है, किस प्रेशर से वो एंटर हो रही है बोर होल के अंदर. ठीक है, इसके अलावा वेल टेस्टिंग है, ये एडवांस यानी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं जो वेल टेस्टिंग है. वेल टेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, वेल टेस्टिंग के अंदर दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक होता है बिल्डअप और एक होता है फ्लो. तो बिल्डअप के अंदर क्या करते हैं कि बोर होल को ऊपर से बंद कर देते हैं और देखते हैं कि नीचे से कितना फ्लूड आ रहा है. ठीक है, अब लेट सपोज बोर होल का पहले प्रेशर था 10 था और थोड़ी सी देर के बाद वो जो प्रेशर है, मैं बड़ा ही आपको सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाद में वो प्रेशर हो गया 50 हो गया. तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि जो फ्लूड के जो फॉर्मेशन फ्लूड है वो कितने प्रेशर से बोर होल के अंदर आ रहा है और उसका कितना प्रेशर है. ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड चीज है वो होता है जो ड्रिल स्टेम टेस्ट है. ड्रिल स्टेम टेस्ट हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे भी कि ड्रिल स्टेम किस तरह किया जाता है. ड्रिल स्टेम टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है कि फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा क्या करते हो, फ्रैक्चर करते हो या परफोरेशन करते हो और उधर से आप मॉनिटर करते हो कि कितना फ्लूड बोर होल के अंदर जा रहा है. तो उसकी मॉनिटरिंग क्या किया जाता है, सेंसर्स होते हैं आपके पास, उन सेंसर से आपको पता चल जाता है कि कितना फ्लूड फ्लो हो रहा है और जो फ्लूड फ्लो होता है वो डायरेक्टली इंडिकेट होता है कि फॉर्मेशन के अंदर कितना प्रेशर है फ्लूड का. ये कुछ मेथडोलॉजीज हैं जिनके जरिए आप पता कर सकते हैं. सो कुछ डिड यू गेट एनीथिंग? That's how you can measure the pressure of the formation. So these are the methodologies by which you can measure the formation pressure. Okay, let me check what is the today's content. Okay, students, I think it's time to start our next content of the course. अच्छा, ये मुझे बताएंगे कितने वीक हो चुके हैं आपके कोर्स को स्टार्ट हुए? सर, ईद वाले वीक को छोड़कर 6 weeks. ईद वाले वीक को भी मिलाएं तो यानी अभी तक आपके 7 weeks हो चुके हैं. ठीक है, ओके ओके. So today we are going to study the drill bits. बल्कि सर ईद वाले को मिलाकर हमारे 8 वीक हो चुके हैं. 8 वीक है. मिड टर्म कितने होते हैं? यूजुअली 16 वीक के बाद होते हैं. सर मिड टर्म तो 8 वीक के बाद होता है, फाइनल 16 के बाद होता है. ओके ओके ओके, गॉट इट. इसका मतलब है कि 8 वीक हो गए हैं, अब आपका मिड टर्म आने वाला है. अच्छा, डेट्स वगैरह अभी? ओके जी. सर, हम ये बिल्डिंग कॉस्ट एनालिसिस करेंगे इसमें, इस कोर्स में.
देखो बिल्डिंग कॉस्ट एनालिसिस तो नहीं आप करोगे, लेकिन इसके अंदर मैं आपको मड डिजाइनिंग वगैरह करवाऊंगा कि ये जो मड है इसकी डिजाइनिंग किस तरह की जाती है, कैलकुलेशंस के जरिए कि कितनी मड आपने सब सरफेस में भेजनी है, उसके क्या क्राइटेरिया है। तो नॉर्मली जो प्रीवियस क्लासेस होती थी उनके अंदर नहीं मैं करवा पाया, लेकिन इस दफा आपको करवाया जाएगा कि मड की डिजाइनिंग किस तरह होती है, ठीक है, एक्सेल शीट पे। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा स्पीड अप रखा हुआ है कोर्स, ताकि हमारे पास इतना टाइम बच जाए कि हम डिजाइनिंग कर सकें। एज अ ओके इंजीनियर सर, ये कि ये जो चीजें हैं ना जो डिस्कस कर रहे हैं, ये असल में आपने पहले पढ़ी नहीं है ना, तो इस वजह से ये बहुत ही सरफेस लेवल की चीजें हैं, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, सरफेस लेवल की हैं। असल जो है ड्रिलिंग इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का मतलब है कि उसके अंदर डिजाइनिंग होनी चाहिए। तो डिजाइनिंग हम, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से थ्योरेटिकल पार्ट हम कवर कर लें, जो कि हमारा कंपल्शन है कोर्स की, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कंटेंट दिया गया, आपने ये पढ़ाना है। जब वो मोस्टली कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम डिजाइनिंग पे जाएंगे, क्योंकि डिजाइनिंग के बगैर तो फिर वो सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता। तो बिल्डिंग कॉस्ट एनालिसिस इसमें नहीं करेंगे, लेकिन मड से रिलेटेड या ड्रिलिंग से रिलेटेड इसके अंदर हम कॉस्ट एनालिसिस करेंगे। वैसे थ्योरी के अंदर कॉस्ट एनालिसिस आपका आएगा, आई थिंक सो, थ्योरी के अंदर आना चाहिए। चलें देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा थ्योरी के अंदर है तो या नहीं। चलें ओवरऑल चेक करते हैं, अभी एक दफा थ्योरेटिकल कंटेंट कवर करने के बाद हम मैथमेटिकल की तरफ जाएंगे। तो दिस इज द वीक 9। अगर आपका मिड टर्म होता है तो मिड टर्म के लिए जो कंटेंट होगा वो ये जो केसिंग टाइप है इससे पहले पहले का होगा, ठीक है। और केसिंग टाइप के बाद वाला जो है मोस्ट प्रोबेबली वो फिर हम इंक्लूड करेंगे एंड टर्म में, ठीक है। सो यू कैन से दैट फ्रॉम टुडे द कोर्स दैट विल बी कवर्ड इन द एंड टर्म कोर्स इंटरवल दैट विल बी स्टडीड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, एंड वी विल स्टार्ट दैट जर्नी फ्रॉम टुडे। सो लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Recording in progress. स्टूडेंट टुडे इज द वीक 9 एंड द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे दैट इज टाइप्स ऑफ द बिट्स। सो टुडे वी विल स्टडी द टाइप ऑफ द बिट्स। फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग दिस कंटेंट वी शुड हैव वेरी क्लियर आइडिया व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिट। Is there any student who may let us that what is meant by bit and what exactly bit is? Sir, apparatus used for the cutting of rock. Okay, so there is answer from one student that this is the apparatus that is used for the cutting of the rock. Any other student? Okay, as the student just explained that this is the part of the drilling operation that is used for the cutting of the rock, and this is the component of the drilling facility, drilling apparatus that has the first contact with the formation that will be used for the drilling of the formation. Like whenever, let's suppose this is the borehole and currently there is a formation at here. So if you want to drill this formation, then what will you do? Then you have to lower the drill bit. This is the part that will be used for the cutting of the formation.
एंड यू विल ऑब्जर्व व्हेन यू विल सी बिट्स इन द ड्रिलिंग इंजीनियरिंग लैब यू विल सी दैट देयर विल बी नोजल्स ऑन द बिट. So students, what do you think? What will be the purpose of these nozzles on the bit? Like if I may show you any image of that, wait, rotary drilling bit, rotary drilling bit. So where are these nozzles? Here it is. Okay. Come on. I don't know what is happening with internet. So let's see this image. So here you can see that there is a nozzle here. So what do you think that what is the purpose of these nozzles? Sir, drilling fluid ke liye yahan se nikalta hoga. Exactly, exactly. You are absolutely right. This is the pathway by which drilling fluid moves from the let's suppose if this is the borehole and if this is the fluid from surface to subsurface and consider this case as inverted type. So what is happening that this is the pathway that is used for the movement of fluid through the drill bit. Okay. So these all types are or these all images are the drilling bits. Now what we are going to do, we are going to study the types of the drilling bit. So firstly, here we have the drag bit. We will have two type of bits. First is drag bit and the other is rolling cutter bits. Okay. Now what is drag bit? Always remember that drag bit. Here you can see that if this is a bit, let me show you the image here. So here you can see that this is the wait. So this is the drag bit. And here you can see that this part is fixed with the hole bit. The thing that I want to clear here, this is the drag bit. Now what will happen that you can see that this part of the bit will be used for the cutting. So this part will be used for the cutting of the formation. And what will happen that when there will be the rotation in the bit, then this part will move dependently. It will be dependent on the movement of this part. So this moving part is integral part of this whole bit. So you can see from this image that there is no provision of the free movement of these cutting blades. So whenever let's suppose whenever there will be the movement here, you can see that if it is connected with pipe and whenever there will be movement in the pipe, these cutting blades will be moved according to the rotation of this drill pipe. Unlike in rotary drilling bits, let me show you the rotary drilling bits. This is the rotary drilling bit. Here you can see that these are the roller cutting blades or roller cones. These are the roller cones. And always remember that whenever there will be the movement of drill pipe, like if it is moving or rotating like this, then what will happen that in rotary drilling bits, there will be independent movement of the parts of the bit. Like this roller cone will be moving or rotating independently. And this will be moving independently because these are not fully fixed
विद द ड्रिल बिट, सो देयर रोटेशन इज इंडिपेंडेंट टू द रोटेशन ऑफ द ड्रिल पाइप. While in drag bit, it will be move or rotate as a single unit. While in rotary cutter bits, there will be independent movement of the roller cones and it will be different from the whole rotating drill pipe. So this is the main difference between the drag bits and the roller cutter bits. And it is also mentioned here that in drag bits, the cutter blades are integral part with the body of the bit, okay? And in roller cutter bits, I just mentioned that there are two, three roller cones and they move independently while cutting off the formation. Here you can see that these are the common type of the drilling bits. Here you can see that this is the drag bit, roller cutter bit, diamond bit, and these are the conical drag bits. These are actually the upper row is actually showing the main types of the bits. Now we will study these type of the bits in detail. Now firstly, what we have drag bit. Now, what is drag bit? I have just shown you that this is the drag bit. This bit is also called as fishtail bit because you can see that the shape of this bit is like the fishtail. This is the reason that this bit is sometimes called as fishtail bit. And these are actually the bits, drag bits are usually not used in previous current era. These were used in the previous era, but you can say that the modern technology is using the rotary drilling bits. Now these are redundant. These are usually not used in the drilling purposes. Now, what are the different factors that determine the dimension or the scope of the drag bits? So firstly, the factor that affects the designing of the drag bit, this is the number and the shape of the cutting blades. Now, what are the shape? These are the cutting blades. Here you can see that these are the cutting blades. So you will observe that these cutting blades can be of variable numbers. You will see that in some drag bits there will be three cutting blades, while there is a possibility in which there will be. So cutting blades actually determine the designing of the drag bit. Size and the location of water courses, metallurgy of the, okay. So other things that are related with the designing of the drag bit, construction of the bit. Now, what do you think that why we are more interested in the type of the metal while selection of the bit? So what's your answer? सर वो तो रॉक क्वालिटी पर भी डिपेंड करता होगा ना कि अगर हम हार्ड एंड बहुत ज्यादा हार्ड एंड स्टिफ रॉक है तो उसके लिए जो हम ड्रिलिंग बिट के लिए हम यूज करेंगे मेटल तो वो भी उसी से रिलेटेड ही होगा. Exactly, exactly, absolutely right. So the real reason is like when there will be very hard formation, then you have to select such type of bit that may have very high strength, because if you will use low strength type of material for the drilling of high strength rock, then what will be happen, there will be excessive wear and tear of the drilling bit. Hence you will be not able to drill that formation. So
सेकेंड थिंग इज द टाइप ऑफ द मेटल दैट डिटरमिन्स द डिजाइनिंग ऑफ द ड्रैग बिट. सो द थर्ड टाइप इज द डेप्थ ऑफ द ड्रिलिंग. द डेप्थ ऑफ द ड्रिलिंग ऑल्सो कंट्रोल्स द सिलेक्शन ऑफ द ड्रैग बिट. ओके, सो इफ देर विल बी द हाई और यू कैन से दैट if you want to drill at very high depth, then the selection of the bit will be according to that situation. And what exactly the principle of the drilling of the drag bits actually, what happens here that the plowing action is the main thing that is used for the cutting of the formation. So you can say that this is less efficient as compared to the rotary drilling or rotary drilling bit. Okay. And it can be made of different type. The different type of the drag bits are steel cutter bits, diamond bits, PDC bits. These all types are related with the drag bits. So here you can see that in diamond bit, you can see that the bottom of the bit is like fixed. It cannot move independently as it was moving in the rotary cutter bit, rolling cutter bit, or the bit that is used in rotary drilling. So you can see that the core bit and the drag bit, the whole assembly or the whole bottom of the bit is fixed with the bit structure. So this is the shape of the diamond cutter bit, and you can see that these are the different nomenclature that is related with the drill bit. You don't need to remember the parts of the drill bit, but you should have very good idea about the basic part of the bit, like what is meant by pin connection, like this, the end of the bit which is connected with the drill pipe. It has, you can see that, fixed specifications, and those are according to the API standard. And this, the bottom of the bit is called as the crown of the bit. Okay, this is actually the crown of the bit. So you don't need to remember the whole parts of the drilling bit. This image is just for your reference. Now, what are the advantages? The first advantage of this type of drag bits is you need a lot of effort to clean the drilling bit if it is roller cone bit, because usually the mud stuck between the cones of the drilling bit. But if there will be the drag bit, then the cleaning of the bit will be very easy, because there will be no holes, or I am not talking about the holes that are used for the movement of the mud. Actually, I am telling you that there will be no depressions or the spaces, narrow spaces at the bottom of the bit that makes a difficult task to clean the bit. So whole bottom part of the bit is actually connected with this bit. So you can say that the cleaning of the drag bit is very as compared to the roller cone bit. Okay. So the next we have, and if you want to compare the strength of the drag bit with the roller cone bit, so I want to place a question for you. Wait. So if you are drilling a borehole with these two bits,
एंड देयर आर चांसेस ऑफ द ब्रेकेज ऑफ दिस कोन एज कंपेयर टू ड्रैग बिट. सो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स इन द ड्रिलिंग ड्यू टू दिस फैक्टर. सो इज देयर एनी स्टूडेंट हु वांट टू गिव मी एनी आंसर. आई एम अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन. If there are more chances of the breakage of these cones as compared to the blades of the drag bit, then what can be the problem as a result of this while drilling the formation? Yes, students, is there any student who want to give me any answers? समझ नहीं आई बता. मैं कह रहा हूँ कि अगर देखें दो आपके पास बिट्स हैं, अगर जो रोलर कोन बिट है उसके अंदर कोन के ब्रेक खींच के ज्यादा चांसेस है यानी आप ड्रिलिंग कर रहे हैं और ये ज्यादा चांसेस है कि ये जो ये रोलर कटर बिट की ये जो कोन है ये टूट जाए एज कम्पेयर टू ड्रैग बिट के अंदर ये कटर जो है ना टूटे, तो इसके टूटने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ. देखिए पहली बात ये है कि ये देखें ये जो इसके ब्लेड हैं ये इसके साथ फुली फिक्स है, ठीक है. ये एक पूरे का पूरा एक सिंगल पीस है ड्रैग बिट के अंदर. ये क्या है, दिस इज अ सिंगल पीस. सो ड्यू टू इट्स मॉर्फोलॉजी और इट्स स्ट्रक्चर इट हैज हाई स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू सिंपल रोलर कटर बिट. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये पूरे का पूरा पीस है तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि ये जो इसका कटर है ये टूट जाए. लेकिन इसके अंदर क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो रोलर कोन्स होती हैं ये इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं. ये पीछे कनेक्ट तो होती हैं पूरी बिट के साथ लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, समझे कि ये अगर इस किस्म का व्हील है जो कि व्हील का ये वाला एज कनेक्ट है बिट के साथ, तो ये जो व्हील है ये क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है इस तरह. तो इसमें ये चीज याद रखिएगा कि अगर ये पीस टूट जाए तो टूटने से क्या होगा, ड्रिलिंग के दौरान ये पीस अल्टीमेटली गिर जाएगा बोर होल के अंदर, ठीक है. और बोर होल के अंदर जब कोई पीस गिर जाता है तो इसकी वजह से पूरी ड्रिलिंग जो प्रोसेस है वो सारा रोकना पड़ता है. उधर क्या होता है कि फिर आपको ये सारा जो जंक है ये बोर होल से बाहर निकालना पड़ता है. अगर आप ये जंक बाहर नहीं निकालेंगे तो कभी भी आप ड्रिलिंग को प्रोसीड नहीं कर सकते. So you can say that there can be problem of the choking of the bore hole if any part of the bit will fall apart from the bit structure. So one advantage that is related with the drag bit, one advantage is that it is made from a single piece and it has less chances of breakage as compared to the roller cone bit. ओके एंड द अदर इज स्टील कटर बिट्स आर एक्चुअली द टाइप ऑफ द ड्रैग बिट एंड दीज आर यूज फॉर द सॉफ्ट फॉर्मेशन, ठीक है. ये क्या यूज की जाती है, सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है. अगर कोई हार्ड फॉर्मेशन है तो स्टील कटर बिट्स आर नॉट रेकमेंडेड. क्यों रेकमेंड नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मेशन के साथ जैसे ही स्टील यानी उधर क्या होगी, हीट होगी, फ्रिक्शन होगी और जो भी फोर्सेस उधर होंगी इस किस्म की उनसे बिट के अंदर बहुत ज्यादा वेयर एंड टियर होगी, ठीक है. क्योंकि फॉर्मेशंस के अंदर सिलिका होता है, सिलिका से भी बहुत ज्यादा अब्रेशन क्रिएट होगी उधर, ठीक है. पाउंडिंग एक्शन भी उधर होगा, तो इन चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बिट है वो वेयर एंड टियर हो जाएगी. तो इसी वजह से जो स्टील कटर बिट है
दिस इज ओनली रेकमेंडेड फॉर द अनकंसोलिडेटेड और द सॉर्ट फॉर्मेशन. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू कट एनी हार्ड फॉर्मेशन यूजिंग ड्रैग बिट, देन यू हैव टू सिलेक्ट द डायमंड बिट. सो डायमंड बिट आप यूज करेंगे अगर आप किसी हार्ड फॉर्मेशन को ड्रिल कर रहे हैं. तो देर इज अ थिंग दैट इज नाउन एज डक्टाइल एंड ब्रिटल. सो इज देयर एनी स्टूडेंट हु मे हैव आइडिया दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डक्टिलिटी एंड द ब्रिटल ब्रिटलनेस. सर इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद अगर मटेरियल टूट जाए. वेरी गुड, डक्टाइल है. ओके वेरी गुड. इसमें क्या है कि देखिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप बनाते हैं तो ये क्या होती है, एक प्रोपोर्शनल होती है, आगे जाके क्या होती है, ये एक रैंडमनेस आ जाती है. तो याद रखिएगा कि डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है कि जिसके अंदर आप स्ट्रेस अप्लाई करें और स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जब उसे रिमूव करें तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए. समझे कि वो डक्टिलिटी है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है. ठीक है, ब्रिटलनेस क्या चीज है, ब्रिटलनेस क्या चीज है, ब्रिटलनेस है हमारे पास, एक मिनट वेट करें. ओके, ब्रिटल क्या चीज है कि ब्रिटल ये चीज है कि अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर डेफोर्मेशन के बजाय वो क्या आ जाए, वो क्रैक हो जाए. ठीक है, अगर वो डेफोर्मेशन के बजाय क्रैक हो जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल कहेंगे. तो ये जो है जो डायमंड बिट है, डायमंड बिट यूज की जाती है हार्ड हो लेकिन वो क्या हो, नॉन ब्रिटल हो. ठीक है, नॉन ब्रिटल का मतलब ये है कि उसके अंदर, अब जो ब्रिटलनेस होती है किसी भी रॉक की वो डिपेंडेंट होती है उसके अंदर जो मिनरोलॉजी है. बाज जो रॉक्स हैं उनके अंदर अगर क्वार्ट्ज कंटेंट इंक्रीज करता जाता है तो क्वार्ट्ज कंटेंट के इंक्रीज करने से ओवरऑल जो ब्रिटलनेस है वो रॉक की इंक्रीज कर जाती है. तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसी फॉर्मेशन जिसके अंदर क्वार्ट्ज कंटेंट कम होगा और लेकिन वो हार्ड फॉर्मेशन होगी, जैसे कि लाइमस्टोन है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकती हैं, डायमंड बिट्स यूज कर सकती हैं. अब डायमंड बिट के अंदर होता क्या है कि इसका जो क्राउन होता है, क्राउन मैंने क्या बताया था, जो बिट का फेस होता है, जो बिट का ये जो ये देखें ये जो बॉटम में ये जो फेस है इसको कहते हैं क्राउन कहते हैं. अब डायमंड बिट के अंदर क्या होता है कि उसके जो क्राउन है, क्राउन के अंदर डायमंड्स फिक्स होती हैं. ठीक है, डायमंड्स फिक्स होते हैं. ये जो इसका क्राउन है ये टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है. ये टोटल क्या बना होगा, टंगस्टन कार्बाइड का, और इसके अंदर छोटे छोटे डायमंड्स इम्बेडेड होंगे. वो जो डायमंड्स इम्बेडेड होंगे वो इसी वजह से इस जो बिट का नाम होता है उसे कहते हैं डायमंड बिट कहा जाता है. ठीक है, अब इसमें एक चीज आप याद रखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रैग बिट के अंदर ये जो ब्लेड है ये रोटेट यानी इंडिपेंडेंटली रोटेट नहीं करते, यानी ये पूरा जो सेटअप है ये पूरे का पूरा रोटेट करता है. ये जो रोटरी ड्रिलिंग के अंदर जो रोलर कोन बिट है इसके अंदर ये जो कोन है ये इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकती हैं, और ये जो ऊपर वाला जो है ड्रिलिंग पाइप है या ये जो पूरी असम्बली है ये डिफरेंट रोटेट कर सकते हैं. यानी इसमें इंडिपेंडेंट कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकता है. तो ड्रैग बिट में ऐसा नहीं होता. तो ये ही सेम होता है डायमंड बिट के अंदर. डायमंड बिट में भी क्या होता है कि ये पूरी बिट एट अ सिंगल टाइम रोटेट कर रही होती है. और ये इसके अंदर भी पाथवेज होते हैं, होल्स होते हैं. दीज होल्स आर यूज्ड फॉर द फ्लोइंग ऑफ द ड्रिलिंग मड. ठीक है, कोई भी बिट है उसके अंदर मड के फ्लो के लिए पाथवेज होते हैं. ठीक है, अब देखें ये जो शेप है ना इसके, ये जो क्राउन की शेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपने ड्रिलिंग एफिशिएंसी देखनी है कि
कितनी भी ड्रिलिंग एफिशिएंसी होनी है, तो आपको ये सारी जो शेप है नीचे क्राउन की, इसका एनालिसिस करना होता है। ठीक है, एनालिसिस का क्या मतलब है? एनालिसिस का मतलब ये है कि इसकी जो बॉटम है उसका एंगल क्या है, ठीक है, वो कितने एंगल पे है। अब टेपर का मतलब क्या चीज होता है? टेपर का मतलब है, जैसे देखें ये, लेट्स सपोज ये बिट है, एक ये बिट है, ये मैं दोबारा बनाता हूँ, देखिए एक बिट का बॉटम ये है, यानी ये इस किस्म की बिट है ऐसे, और दूसरी बिट ये है। इसमें अगर आप इसका एंगल देखें और इसके एंगल देखें, तो ये एंगल, ये वाला इसके अंदर एंगल देखें, तो इसमें एंगल क्या है, इसके अंदर ये एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो इस चीज को कहते हैं टेपरनेस। ठीक है, तो शॉर्ट टेपर का ये फायदा होता है, शॉर्ट टेपर को जो, यानी क्लीनिंग प्रोसेस होता है, क्लीनिंग प्रोसेस इजी होता है। अब क्लीनिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर बिट के अंदर, बिट के बॉटम पे जो मड है वो स्टक हो जाती है, तो वो रिमूव करनी होती है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ये, यानी अगर आप स्टार्टिंग में डिजाइनिंग इसकी सही तरह नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा कि कभी भी आप फिर वो जो आपके डिजायर्ड गोल होते हैं वो कभी भी अचीव नहीं होते। ठीक है, और बाद क्या होती है, वो नॉन टेपर होती है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, वो इस किस्म की होती है, फ्लैट ही होती है। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शनल ड्रिलिंग करनी है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या चीज है, एक है वर्टिकल ड्रिलिंग है। डायरेक्शनल ड्रिलिंग क्या है कि अगर वो वर्टिकल नहीं है, वो किसी एंगल पे है, तो फिर आप क्या करते हैं, वो टेपर यूज नहीं करते, आप सिंपल क्या करते हैं, नॉन टेपर यूज करते हैं। उसके अंदर जो क्राउन, क्राउन है, बिट का क्राउन है, वो किसी एंगल पे वो शार्प नहीं होता। ठीक है, अब कितनी फॉर्मेशन आपने ड्रिल करनी है, यानी कितनी स्ट्रेंथ की फॉर्मेशन आपने ड्रिल करनी है, वो डिसाइड करती है कि बिट की ओवरऑल डिजाइनिंग क्या होगी, बिट का मटेरियल क्या होगा, बिट की शेप किस किस्म की होगी, बिट के अंदर जो डायमंड्स लगने हैं, क्योंकि हम स्टडी करें डायमंड बिट, ड्रैग बिट्स की जो टाइप है उसमें हम डायमंड बिट यूज वो स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो टंगस्टन कार्बाइड के अंदर जो डायमंड्स फिक्स होने हैं, उन डायमंड्स को, यानी नंबर ऑफ कितने डायमंड्स लगने हैं, ठीक है, वो भी इधर से ही डिसाइड होता है। ठीक है, अगर हार्ड फॉर्मेशन है तो उसके अंदर जो डायमंड का साइज है और नंबर ऑफ डायमंड है वो ज्यादा लगते हैं, और अगर सॉफ्ट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ डायमंड्स लगाने की, यानी ज्यादा डायमंड्स लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर कम डायमंड्स आप लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखें कि ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये देखें ये है स्टेप टाइप है। स्टेप टाइप के अंदर क्या होता है कि वो जो उसका टेपर पार्ट होगा ना, वो उसके अंदर स्टेप्स बने होंगे। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये स्टेप बने हुए हैं। ठीक है, ये स्टेप टाइप है। जो टेपरनेस का मैं बता रहा था, ये देखिए ये नॉन टेपर है, क्योंकि इसके अंदर ये एंगल ही नहीं बना हुआ, ये एंगल नहीं बना हुआ। अगर एंगल बना होगा तो वो क्या होगा, टेपरनेस होगी। लॉन्ग टेपर का मतलब है जिसके अंदर ये एंगल ज्यादा बन रहा है, और जिसके अंदर ये देखिए ये एंगल कम बन रहा है, जिसके अंदर ये एंगल कम बनेगा वो क्या होगी, शॉर्ट टेपर होगी। तो ये जो टेपरनेस है ये असल में डिसाइड कर रही होती है कि ओवरऑल जो बिट का पर्पज है वो किस पर्पज के लिए यूज होगी। नाउ नेक्स्ट इज पीडीसी बिट। अब पीडीसी बिट क्या है? पीडीसी बिट है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड बिट। ठीक है, इसे पीसीडी भी कहा जाता है और पीडीसी भी कहा जाता है। अब पॉलीक्रिस्टलाइन जो बिट है, ठीक है, ये एडवांस बिट्स है, एडवांस बिट है एज कंपेयर टू सिंपल ड्रैग बिट। ठीक है,
अब इसका जो पर्पज है देखो, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सिंथेटिक डायमंड यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसमें सिंथेटिक डायमंड यूज किए जाते हैं वो, और उनका क्या होता है, उनका एडवांटेज क्या होता है कि वो जो सिंथेटिक डायमंड है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन के अंदर वर्क कर सकती है, ठीक है। और इसमें जो डायमंड्स का जो साइज होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू सिंपल डायमंड बिट। जो डायमंड बिट्स होती हैं, यानी ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये जो सिंपल डायमंड बिट होती है इसके अंदर जो नीचे डायमंड पीक्स लगे होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, लेकिन जो पीडीसी बिट होता है उसके अंदर जो डायमंड लगे होंगे क्राउन पे, यानी इधर जो नीचे बॉटम पे जो डायमंड लगे होंगे उनका साइज रिलेटिवली कम होगा, ठीक है। बाकी जो मैट्रिक्स है वो दोनों के अंदर टंगस्टन कार्बाइड ही यूज किया जाता है। टंगस्टन कार्बाइड इस वजह से यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल समझा जाता है, इसकी बहुत हाई स्ट्रेंथ समझी जाती है। दिस इज द रीजन दैट टंगस्टन कार्बाइड इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ द ड्रिलिंग बिट्स। एंड इफ यू आर डिस्कसिंग द एबिलिटी और द एफिशिएंसी ऑफ द पीडीसी बिट्स, सो पीडीसी बिट्स कैन गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स इन सॉफ्ट एंड मीडियम हार्ड फॉर्मेशन। हार्ड फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते इसे, ठीक है। और अगर फॉर्मेशन यानी उसके अंदर क्वार्ट्ज बहुत ज्यादा है तो आप पीडीसी बिट यूज नहीं करेंगे। और क्वार्ट्ज के अलावा द अदर प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द पीडीसी बिट, दैट इज द अमाउंट ऑफ क्ले इन द फॉर्मेशन। अगर अमाउंट ऑफ क्ले बहुत ज्यादा होगी तो जैसे ही वो ड्रिलिंग मट से, देखो ये मुझे बताएं कि अगर जैसे ही क्ले कॉन्टेक्ट करेगी वाटर के साथ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर जो क्ले होगी वो प्लास्टिसिटी है मटेरियल, तो वो जरा प्लास्टिसिटी ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्टली तो वो क्या हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी, काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, स्टिकनेस उधर इंक्रीज हो जाएगी, वो गमी टाइप बन जाएगी, यानी गम का मतलब है वो आपस में स्टिक करने की कोशिश करेगी। तो जो इस किस्म की फॉर्मेशंस होती हैं उसके अंदर ये रेकमेंडेड नहीं होती, ठीक है। ये ज्यादा जो डायमंड बिट की तरह जो पीडीसी है ये ज्यादा रेकमेंडेड होती है कार्बोनेट फॉर्मेशन में, कार्बोनेट या वेपोराइट। कार्बोनेट्स के हैं आपके पास जैसे कि लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, ठीक है, इनके अंदर आप यूज कर सकते हैं पीडीसी या डायमंड बिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल के अंदर भी किसी हद तक ये अच्छी एफिशिएंसी दे सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके अंदर अगर शेल को आप ड्रिल कर रहे हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम ना हो कि उसका जो मटेरियल है वो जैसे ही वाटर से कॉन्टेक्ट में आए तो उसके अंदर क्या हो जाए, गमीनेस आ जाए, स्वेलिंग वगैरह हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो क्लेज हैं वो हर जो क्ले है वो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं है स्वेल होने की, कि जैसे कि मोंटमेरिलोनाइडिस के अंदर बहुत ज्यादा एफिशिएंसी होती है स्वेल होने की, लेकिन इलाइट वगैरह को देखें तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। और इसके अंदर भी जो क्राउन ब्लॉक है, क्राउन ब्लॉक यानी डिसाइड कर रहा होता है कि किस किस्म की उधर कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी, या वाइस वर्सा फॉर्म के अंदर आप ये कह सकती हैं कि क्राउन ब्लॉक की सिलेक्शन ही आपने इस तरह करनी होती है कि जो कि उधर कंडीशंस होती हैं, सब सरफेस कंडीशंस होती हैं, तो सब सरफेस कंडीशन के मुताबिक आपको क्राउन ब्लॉक की शेप चूज करनी होती है। और इसके अलावा इसके जो फैक्टर्स डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये जो है यानी बिट की जो शेप है वो किस तरह होगी, उसमें क्या है कि कटर्स का जो एंगल है वो किस किस्म का एंगल है, ठीक है, कटर्स का एंगल डिसाइड कर रहा होता है कि ओवरऑल क्या शेप होगी इसकी बिट की। अब इसमें हमारे पास देखें एक होता है बैक रैक एंगल, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये असल में है में देखें कि ये वो पिक है, यानी समझे कि ये किस्म का वो डायमंड है जो कि अटैच है बिट के नीचे, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्ट, यानी कॉन्टेक्ट का मतलब ये है कि ये जब ये नीचे वाली ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन है, ये जो मैं इधर मार्क करता हूं किसी कलर से,
ये फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें एक्सपोजर का मतलब ये कि वो जिस जगह टच होगा उस पिक के साथ, यानी उस डायमंड के पार्ट के साथ जो टच होगा उसे कहते हैं एक्सपोजर, कहा जाता है, ठीक है। अब बैक रैक एंगल क्या है, आप ये देख रहे हैं सॉरी, ये देखें कि जहां ये टच कर रहा है, यानी जहां ये टच कर रहा है, अगर वर्टिकल से जो उसका एंगल होगा, उस पिक का जो वर्टिकल से एंगल होगा उसे कहते हैं बैक रैक एंगल, ठीक है, उसे बैक रैक एंगल कहते हैं, ठीक है। और साइड रैक एंगल क्या चीज है, अगर टॉप व्यू के अंदर आप इसे देखें, टॉप व्यू में अगर आप देखें, ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट है, ये वो सरफेस है, और इस सरफेस से जो अगर टच कर रही है, जो पिक जो डायमंड टच कर रहा है वो डायमंड, देखो एक तो ये कंडीशन है कि ये सरफेस है तो डायमंड डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे टच कर ले, यानी बिल्कुल इसके पैरेलली टच कर ले। दूसरा क्या है कि वो किसी एंगल पे ऐसे टच करे, तो जब वो किसी एंगल पे टच करता है तो ये जो चीज होगी ये होगा साइड रैक एंगल, दिस विल बी कॉल्ड एज साइड रैक एंगल। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, देखें अभी हम जब हमने प्रीवियस कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द रोटरी ड्रिलिंग पढ़े थे तो उसके अंदर हम सारे स्टडी कर रहे थे रोटरी ड्रिलिंग को, तो रोटरी ड्रिलिंग ही अभी यूज की जाती है, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन आपको किया कि जो ड्रैग बिट वगैरह यूज की जाती है, जो ऑगर ड्रिलिंग वगैरह, जो केबल टूल ड्रिलिंग है, ये अब यूज नहीं की जाती। करंट इरा के अंदर मोस्टली जो यूज की जाती है वो रोटरी ड्रिलिंग की जाती है, और रोटरी ड्रिलिंग के अंदर जो यूज बिट की जाती है वो है रोलर कटर बिट या रोलर कोन बिट। अब रोलर कोन बिट या रोलर कटर बिट का मतलब क्या है, जो कि मैं पहले बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये देखें ये जो कहाँ गई कहाँ गई, ये जो बिट है ये जो बिट है इसके अंदर क्या लगी होती है, कोन्स लगी होती हैं, इसके अंदर कोन्स लगी हुई है, ये तीन कोन लगी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से इसे क्या क्या कहा जाता है, रोलर कोन बिट। तो रोटरी ड्रिलिंग के अंदर यूज की जाती है रोलर कोन बिट, और रोलर कोन बिट जो है, याद रखिएगा रोलर कोन बिट के अंदर जो यानी क्लीनिंग प्रोसेस है, अगर आप इसे क्लीन करना चाहें तो इसके अंदर ये ज्यादा टाइम टेकिंग है एज कंपेयर टू सिंपल ड्रैग बिट, क्योंकि इसकी जो कोन्स है इनके दरमियान में जो मड है, जो ड्रिल कटिंग्स है वो स्टक हो जाती है, ठीक है, ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है। और दूसरा इसका क्या है कि इसके अंदर आप जो ड्रिलिंग अगर आप करें तो उसके अंदर स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो बिट जो ऊपर वो पिक्स लगे हुए हैं, जो उसके टूथ हैं, यानी जो नीचे आप देखेंगे इसमें ना पिक्स लगे होते हैं, ये कहाँ गई पिक्चर, ये देख रहे हैं ये सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे सर्कुलर मटेरियल आपको नजर आ रहा होते हैं, ये टूट जाती है, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा इसकी स्पीड नहीं कर सकते। और इसमें भी डिपेंड करता है कि इसके जो ये जो आपको ये टीथ नजर आ रहे हैं, ये देखें ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो पिक्स नजर आ रही हैं, अगर तो इनकी डेप्थ आप इंक्रीज कर दें तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए। अगर सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए यूज करने तो ये जो आपको नीचे पिक्स नजर आ रहे हैं इनकी डेप्थ इंक्रीज करनी है, डेप्थ का मतलब साइज इंक्रीज करना होता है। अगर हार्ड फॉर्मेशन है तो ये साइज कम ही रखा जाता है। अब इसके अंदर एक्शन क्या हो रहे होते हैं, देखो इसमें एक्शन क्या है कि एक है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का क्या मतलब है, जो मैंने पहले आपको बताया है कि जो कोन्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रही होती है, ये जो कोन है ये देखो, ये जो कोन है ये इंडिपेंडेंटली इस तरह मूव कर रही है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर दिया हुआ है, ये कोन है ये इंडिपेंडेंटली इस तरह रोटेट कर सकती है, ये भी कोन इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकती है, और ये भी रोटेट कर सकती है,
ठीक है, जब ये रोटेट करती है तो इससे क्या होता है, स्क्रैपिंग एंड ट्विस्टिंग है। स्क्रैपिंग एंड ट्विस्टिंग का मतलब ये है कि जो भी इधर फॉर्मेशन इन टच होगी उसके अंदर क्या होगी, ट्विस्टिंग, यानी आप समझ लें कि एक किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, माइक्रो लेवल पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा। उस टॉर्क से क्या होगा, क्योंकि ये जब रोटेशन देगी तो उधर ये ओवरऑल जो सारी रोटेशन है ये इम्पैक्ट करेगी फॉर्मेशन को, ठीक है, ये इम्पैक्ट करेगी फॉर्मेशन को। और दूसरी चीज क्या है कि ऊपर से लोड भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है, बिट को लोड भी प्रोवाइड, ड्रिल पाइप्स जो ऊपर जितने भी अटैच होते हैं उन सब का अल्टीमेटली लोड किस पे होता है, ड्रिल बिट पे होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रशिंग एक्शन भी होता है। क्रश किस तरह होता है, यानी अगर कोई चीज है उसके ऊपर से आप लोड डालते हैं तो वो चीज क्या होती है, क्रश हो जाती है, ठीक है। तो इसपे क्या होता है, इसमें ट्विस्टिंग भी होती है और क्रशिंग भी होती है, ठीक है। और इसमें जो टीथ रखे जाते हैं, टीथ को वेरिएट किया जाता है डिजायरेबल कंडीशन के लिए, ठीक है। अगर तो टीथ, अगर फॉर्मेशन सॉफ्ट है तो फिर आप टीथ का साइज क्या करेंगे, या टूथ कह ले, टीथ से जैसे भी आप सिंगुलर यूज करना चाहें या प्लूरल यूज करना चाहें, तो अगर आप टीथ यूज करेंगे, यानी आप समझे कि उसका जो साइज है वो बहुत कम रखा है, तो इसका मतलब उसे हार्ड फॉर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टीथ का साइज इंक्रीज करना है तो फिर आप उसे सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब रोलर कोन बिट के अंदर जो टाइप्स है ना, देखो रोलर कोन बिट की जो टाइप्स है उसके अंदर टू टाइप्स है, एक है मिल्ड टीथ कटर है, दूसरा है टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट कटर है, ठीक है। अब देखो रोलर कोन, अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट में रोलर कोन देखें ना, बिल्कुल आप इनिशियल डेफिनेशन देखें तो रोलर कोन क्या है कि जिसके अंदर कोन्स लगी हुई है वो रोटेट कर सकते हैं, ये रोलर कोन है, ठीक है। अब रोलर कोन को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स के अंदर, टू टाइप कौन सी है, एक टाइप ये है कि जिसके अंदर कोन है, लेट्स सपोज ये कोन है, ये कोन है, उस पे जो पिक्स लगे हुए हैं ना, ये देखो उस पे ये लगे हुए हैं टंगस्टन कार्बाइड के, ऐसे पिक्स लगे, यानी छोटे छोटे टंगस्टन कार्बाइड के पीसेस अटैच है इस पे छोटे छोटे टंगस्टन कार्बाइड के ये पीसेस अटैच है, ठीक है। और दूसरी टाइप क्या है रोलर कोन बिट की, दूसरी टाइप ये है, दूसरी टाइप ये कि जिसके अंदर इस तरह ये जो टीथ है, ये टीथ बने होते हैं, यानी उसके ऊपर ये अल्टीमेटली जो कोन है ना, कोन ही इस तरह बनाई जाती है कि उसके ऊपर ये टीथ स्टार्टिंग में ही बने होते हैं, यानी ये कोई सेपरेट पार्ट नहीं होता कोन का, ये उसका ओवरऑल अपना ही पार्ट होता है कोन का। तो उसमें जो टीथ वाली जो कोन होती है, ऐसी बिट को कहा जाता है मिल्ड टूथ कटर, ठीक है। और अगर उस पर पिक्स लगे हुए हैं कोन पे तो फिर उसे कहते हैं टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट कटर। तो ये दोनों के अंदर हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको क्लोजली ये दिखा पाऊं, बल्कि इसके बजाय मैं अगर इसे जूम कर लूं, अब इसमें आप इसके अंदर देखें कि इसके ऊपर ये जो पिक्स लगे हुए हैं, ये देखो ये सेपरेट पार्ट है, ये जो आपको गोल नजर आ रहे हैं ना, ये टंगस्टन कार्बाइड पिक्स है, ये देखें ये लगे हुए हैं, ये जो ये लगे हुए हैं, ये टीथ नजर आ रहे हैं, ये सेपरेटली लगे हुए हैं, ये इसमें एम्बेडेड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये जब ओवरऑल पूरी कोन बनी है तो इस कोन के साथ ही ये वाले बनाए गए हैं, ये सेपरेट नहीं, ये इसके अंदर ये टीथ लगे हुए। ये समझ आई है कि डिफरेंस बिटवीन मिल टीथ और रोलर कोन? जी स्टूडेंट, इसमें कोई आपको है कंफ्यूजन ये मिल टीथ और सिंपल रोलर कोन के अंदर? सर दोबारा बता दे। अच्छा मैं दोबारा आपको बताता हूँ, देखो जो रोलर कोन है, रोलर कोन के अंदर मैंने आपको बताया कि वो जो कोन होगी ना, ये देखो ये तीन कोन लगी हुई है ना, ये देखो ये कोन लगी हुई है, एक ये कोन लगी हुई है, एक ये कोन लगी हुई है,
और थर्ड ये कोन है इस तरह। अब इन कोन के ऊपर क्या है कि आपको पीसीज नजर आएंगे टंगस्टन कार्बाइड के, यानी जब ये कोन बना ली जाती है उसके बाद इधर छोटे छोटे टीथ लगाए जाते हैं टंगस्टन कार्बाइड के, ठीक है, ये बाद में टीथ लगाएंगे। लेकिन मिल्ड रोलर कोन के अंदर क्या होता है, मिल्ड के अंदर क्या करती हैं कि वो जब कोन बनाते हैं तो कोन के साथ ही वो टीथ वाली बनाते हैं, यानी वो टीथ वाली कोन होती है, उसके साथ सेपरेट नहीं लगाए जाते, ठीक है, इसके साथ ये टीथ वाली है। समझ में आई बात, इसके साथ ये टीथ वाली है। ओके, अब इसके अंदर जो मेन जो चीज है वो यही है कि अब ये जो टीथ हैं ये सारे डिपेंडेंट होता है, ये जो अगर आपने मेल टाइप यूज करनी है या फिर आपने यूज करनी है ये टंगस्टन कार्बाइड इंसर्ट वाली करनी है, ये डिपेंड करती है कि उधर फॉर्मेशन की क्या कंडीशन है, ठीक है, ये सब फॉर्मेशन की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें जो टीथ होती है ये, यानी जो इंटरनल टीथ होते हैं, जो आउटवर्ड टीथ होती हैं, ठीक है, रोटेशन के दौरान इनका जो रॉक को कटिंग करने का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, यानी इनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है। जो ज्यादा अंदर की तरफ टीथ होती हैं इनका डिफरेंट एक्शन होगा फॉर्मेशन पे, और जो ज्यादा आउटवर्ड टीथ होंगे इनका डिफरेंट फंक्शन होगा। और जब वो कटिंग हो रही होती है तो ये जो बाहर वाले जो टीथ होती हैं ये जल्दी वियर हो जाते हैं एज कंपेयर टू इंटरनल टीथ, ठीक है, क्योंकि इनका जो कॉन्टेक्ट हो रहा होता है वो फॉर्मेशन से ज्यादा हो रहा होता है, और इनके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है, इन पे जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है एज अ रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेशन वो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आप देखें कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है कोन का उधर उसका डाया क्या है ज्यादा है, इधर कोन का डाया क्या है इस जगह देखो, अगर डाया देखोगे इधर डाया अगर आप देखोगे तो इधर डाया क्या है ज्यादा है और इधर जो डाया है वो कम है। तो जब डाया ज्यादा होता है आर इंटू एफ होता है टॉर्क, तो अल्टीमेटली इधर जो टॉर्क का रिएक्शन होगा वो ज्यादा होगा इधर कम होगा, तो इस वजह से इधर जो टीथ होते हैं वो जल्दी वियर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जो स्मॉलर डाया या इंटरनल टीथ होती है जो ज्यादा इनवर्ड टीथ होती है। अब इसमें अगर इसकी फॉर्मेशन को देखा जाए, इसकी फॉर्मेशन में देखें पहले, इससे आगे नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे बता दें कि अगर कोई प्रीवियसली जो भी हमने चीजें देखी उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। सर साइड रैक एंगल एक दफा रिपीट कर दें। ओके, साइड रैक एंगल, साइड रैक एंगल असल में क्या है कि जो ये देखिए साइड रैक एंगल, ये असल में वो पार्ट है डायमंड, आप समझे कि ये डायमंड है जो के टच कर रहा है किसी भी फॉर्मेशन को, ठीक है, तो फॉर्मेशन को जब वो डायमंड टच कर रहा होता है ये असल में थ्री डायमेंशनली आपको समझना होगा, ये टॉप व्यू गिवन है, ये टॉप व्यू, तो ये डायमंड जो टच कर रहा है, लेट्स सपोज ये फॉर्मेशन है और ये डायमंड उसे ये समझे कि ये बिट के अंदर लगा हुआ है ना, ये डायमंड इस तरह बहुत ज्यादा लगे हुए, तो ये बिट के साथ डायमंड लगा हुआ है, तो ये जो उसे टच कर रहा है तो वो जो एंगल बना रहा होगा उसे कहते हैं साइड रैक एंगल, ठीक है, उस एंगल को साइड रैक एंगल करेगा तो उसे क्या कहेंगे जी? तो आपने कहा ना कि ये एक एंगल पे टच कर रहा है, अगर ये पैरेलली टच करेगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे सिंपल आप यानी आप यही कहेंगे कि उधर फिर वो एंगल जीरो होगा, इन टर्म्स ऑफ अगर आप साइड रैक एंगल आप डिस्कस कर रहे हैं तो उधर फिर आप कहेंगे कि हियर साइड रैक एंगल विल बी जीरो,
बिकॉज देयर विल बी नो एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द डायमंड डायमंड पीस एंड द फॉर्मेशन. सो एज अ रिजल्ट यू विल सिंपली से दैट द साइड रैक एंगल इज जीरो हियर. जी स्टूडेंट, कोई दूसरा क्वेश्चन आपको है? अब ये आगे देखेंगे, ये बेरिंग, कोई बता सकते हैं स्टूडेंट के बेरिंग का फंक्शन क्या होता है? किसी भी यानी कोई मशीनरी उसके अंदर बेरिंग्स यूज किए हैं तो उनका क्या फंक्शन होगा? बेरिंग असल में यूज किए जाते हैं को रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. और किस दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए? यानी जब वो रोटेशन दी जा रही है के दौरान. एग्जैक्टली, रोटेशन के दौरान. तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कोन है उनकी क्या होगी, रोटेशन होगी. तो वो जो रोटेशन है, वो रोटेशन कंट्रोल करने के लिए, वो रोटेशन डेवलप करने के लिए डिफरेंट किस्म की बेरिंग टाइप यूज किए जा सकती हैं. उसमें रोलर टाइप है, बॉल टाइप है, फ्रिक्शन टाइप है. ये वो बेरिंग्स है जो कि वो एम्प्लॉयड की जा सकती हैं कोन्स की रोटेशन के दौरान. ठीक है, और जो भी बेरिंग्स होंगे उनको सारा, यानी जो ड्रिलिंग फ्लूड जब मूव कर रहा होता है ना, तो अल्टीमेटली वो बेरिंग एक किस्म के लुब्रिकेट भी हो रहे होती हैं. बेरिंग में फ्रिक्शन और हीट इस वजह से जनरेट होगी क्योंकि जैसे ही वो फॉर्मेशन से टच करेंगे तो उधर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. और हीट प्रोड्यूस होगी तो जैसे ही मड उससे इन टच होती है तो मड क्या करती है, उस टेम्परेचर को रिड्यूस करती है. तो एक किस्म का वो लुब्रिकेट भी कर रही होती है, उधर टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर रही होती है. ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे यानी प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं जिससे उसकी साथ साथ ग्रीसिंग होती रहे. ग्रीसिंग का क्या जो पर्पज है वो यही है कि ताकि उसके अंदर कम से कम फ्रिक्शन हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वियर एंड टीयर इंक्रीज कर जाएगी. अगर आप वियर एंड टीयर को देखें तो ये देखिए जरा, अब ये कोन्स है. ठीक है, अब कोन्स के अंदर आप देखें कि जैसे ही ये किसी फॉर्मेशन से टच करेगी तो इसके अंदर देखो दो प्रोसेस हो रहे होते हैं. प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि जब वो टच कर रही होती है ना, कोन की शेप चेंज हो जाती है. तो शेप जब चेंज होती है तो बाज दफा क्या होता है, वो शार्प हो जाती है. जब सेल्फ शार्प होती है तो शार्पनेस से भी ड्रिलिंग पे इफेक्ट पड़ रहा होता है. ठीक है, अब क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए इसके अंदर, एक क्या है, सेल्फ शार्पनिंग वियर ड्यू टू हार्ड फेसिंग. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फॉर्मेशन है वो हार्ड है तो क्या होगा, जो उसकी शेप होगी, जो शेप होगी वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब हो जाएगी. अब लेट सपोज बिल्कुल जो टूथ होगा उसकी ये शेप है, मैं आपको दिखाता हूँ. उसकी जो शेप है वो ये है, लेकिन जब हार्ड फॉर्मेशन से वो टच किया तो इधर से क्या हुआ, उधर से उसकी सारी शेप डिस्टोर्ड हो गई है. ठीक है, इसे कहते हैं सेल्फ शार्पनिंग, जो कि हार्ड फेस की वजह से होती है. और दूसरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं, दूसरी कंडीशंस होती हैं कि जिसके अंदर, इसमें भी वियर एंड टीयर है लेकिन उसके अंदर जो शेप है वो चेंज हो सकती है. उसमें शेप क्या हो सकती है, इसमें पार्शली जो बिल्कुल रिमूव ही हो जाए मटेरियल उधर से. तो इधर से क्या है कि ये देखिए इधर से मटेरियल ही रिमूव हो गया. तो इसमें ये चीज आप याद रखें कि जब भी वो टच करता है कोई भी, यानी जो टीथ वो टच करेगा फॉर्मेशन को, तो फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ के मुताबिक उसकी जो वियर एंड टीयर होगी फेसिस वो टीथ की. ठीक है, और यही वजह कि आपको मैंने बताया था एक प्रोसेस होता है ट्रिपिंग होता है. ट्रिपिंग क्या होता है कि अगर आपने बिट जब वियर एंड टीयर होगी उसे रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं कि मड की सर्कुलेशन रोक देते हैं और सारे ड्रिल पाइप्स और जो बिट है उसे बाहर निकाल लेते हैं बोर होल से, और बाहर निकालने के बाद आप क्या करते हो, बिट को चेंज करते हो. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, ट्रिपिंग कहते हो. ठीक है, तो जो इंसर्ट है जो कि बिट के अंदर, ये देखो जो इसके अंदर, ये देखें ये जो अंदर ये छोटे छोटे लगे हुए हैं,
लेफ्ट साइड वाली बिट में, ये डिफरेंट किस्म के शेप के हो सकते हैं, ये पॉइंटेड भी हो सकते हैं, ये स्क्वेयर फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये किस किस्म के शेप के डिफरेंट हो सकते हैं, ये देखिए ये डिफरेंट किस्म के पिक्स हैं, ये डिफरेंट शेप के पिक्स हैं, ये यूज किए जा सकते हैं बिट के अंदर। देखें इनकी डिफरेंट किस्म की शेप है जो कि डिपेंड करता है उधर क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखें ये डिफरेंट किस्म के पिक्स की शेप है जो कि रोलर कोन बिट के अंदर यूज की जाती है। अब लास्ट पे जो हमारे पास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टीएसपी थर्मली स्टेबल बिट्स। थर्मली स्टेबल बिट्स का हमेशा याद रखें कि ये बिट्स अगर कोई फॉर्मेशन है जिसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर है, ये फॉर्मेशंस कहाँ होती हैं, यूजुअली जहाँ एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है ना उसकी सराउंडिंग में जो फॉर्मेशन होती है उनका टेम्परेचर हाई होता है, या फिर कोई फॉर्मेशन है जो कि बहुत हाई डेप्थ पे है तो उधर भी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए आप अगर स्पेशलाइज किस्म की कोई बिट यूज करेंगे तो वो यूज करेंगे टीएसपी बिट यूज करेंगे, और टीएसपी बिट का जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल ये यानी जो शेप है वो बिल्कुल पीडीसी की तरह होती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना टेम्परेचर के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये पीडीसी बिट है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज द होल प्रॉब्लम, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम अनदर बुक, द नेम ऑफ दैट बुक इज वेल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट बुक ऑन गूगल क्लासरूम, यू मे टेक दैट बुक फ्रॉम देयर एंड यू मे स्टडी योर लेक्चर्स फ्रॉम दैट बुक वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू द होल प्रॉब्लम। सो देयर विल बी अ चैप्टर and that chapter is specifically related with the whole problem and you need to go through that chapter. So the material that we have discussed up till now that was from applied drilling engineering, okay. So from next lecture we will study content from the well engineering and construction book by Hussain Rabia. So if you have any question related with or related with any concept of the type of the bits, you can ask me now. If you have any confusion or you want to discuss anything, then you may ask. Yes, students. So students, if you have, if you don't want to ask any question or if you don't have any kind of confusion, then just let me know that you have no any confusion or you don't want to ask any questions so that we may move ahead and decide what to do next. Yes, students, let me know. Yes, sir. आगे चलें. Sir, clear है. Okay. Okay, student, this was the end of our today's lecture. I am going to mark attendance and what we will do recording stopped. Like after marking this attendance, there will be a break, and after that break, we will go through the lab material that we will discuss today. So today is 24. Where are the students? okay. 41
ओके तो आपने अटेंडेंस देख ली है, इसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट के अटेंडेंस रहती है तो काइंडली मुझे बता दें, मैंने वैसे मार्क कर दिए हैं आपके अटेंडेंस एंड